A rectangular, a square, a circular and an elliptical loop all in xy plane are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity v along positive x-axis. The magnetic field is directed along the negative z-axis. The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant for. किसके लिए induced EMF constant नहीं होगा? Magnetic field suppose outside, ये suppose y-axis और ये x-axis. तो जेड एक्सिस पॉजिटिव इधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड रहता है नेगेटिव जेड एक्सिस में इनसाइड इनसाइड का. अब लूप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है सपोज यहां तक, सपोज इस रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है यहां तक. अब यहां से लूप निकलना स्टार्ट करेगा मतलब यहां से लीव आउट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन से. सो किस लूप के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा, किसके लिए नहीं होगा, बस वही चेक करना है. सो कोई भी लूप है सपोज इस तरह से हमने लिया. So, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस साइन शो करते हैं डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम तो फिलहाल, बस मैग्नीट्यूड चेक करना है किसके लिए कांस्टेंट किसके लिए नहीं. सो डी बाई डी टी और फ्लक्स बी इंटू ए, इस लूप का एरिया वेक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, सो कॉस जीरो ये हो जाएगा. बी तो कॉन्स्टेंट है सो डी ए बाई डी टी. अब डी ए जो एरिया में चेंज होगा तो इस तरह से इतना एरिया सपोज ये डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया डी टी टाइम में तो ये हो जाएगा. तो ये तो थिकनेस इसकी जो ये छोटा सा एलिमेंट लिया dx और ये है सपोज y, ठीक है ना. सो ये हो जाएगा b y dx by dt, dx by dt क्या है v, तो ये हो जाएगा b y a b y v. ये तो हमें ऑलरेडी पता है b l v ये होता है मोशनल ईएमएफ. तो l लेंथ ये उसकी जगह ये y. अब यहां पर बस यही चेक करना है y, देखो ये तो कांस्टेंट है v, b भी कांस्टेंट तो y चेक करना है. अगर y कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट, और वो कब होगा जब लूप रेक्टेंगुलर हो हर जगह वाई सेम या फिर स्क्वायर हो तो भी ये सेम, और अगर सर्कल है तो ये तो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा वाई, तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज फिर डिक्रीज. अगर ये एलिप्टिकल है तो भी वैसा ही केस है, पहले कम है वाई फिर ज्यादा हो जाएगा यहां तक फिर वापस से कम होता चला जाएगा, ठीक है ना. सो इलिप्टिकल और सर्कुलर के लिए y की वैल्यू वेरिएबल है, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरिएबल. तो कांस्टेंट किसके लिए, एक रेक्टेंगल के लिए और एक स्क्वायर के लिए. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, हमें बताना है किसके लिए कांस्टेंट नहीं है, तो किसके लिए कांस्टेंट नहीं है, एक इलिप्टिकल और एक सर्कुलर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन.